Good morning, friends. मैं जुलिसा. टुडे हाउ टू मेक टोमेटो केचप. एंड सिक्स टोमेटो ली हूँ मैं, जिसको अभी मैं इस तरह फोर पीसेस कट कर ली हूँ इस तरह से. और अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी पहले. सी फ्रेंड्स, अभी मैं इसका प्यूरी बना ली हूँ इस तरह से. सी फ्रेंड्स, ये धनिया का पत्ता है जो मैं ये ले लूँगी. टू स्मॉल पीसेस ग्रीन चिली लूँगी और इसे छोटे छोटे टुकड़े स्मॉल पीसेस काट लूँगी. अभी 1 टेबल स्पून ये तेल ली हूँ मैं और एक छोटी 1 टेबल स्पून जीरा ली हूँ. अब इसे गरम होने दे. जब गरम हो जाए तो ये ग्रीन चिली डाल देंगे. और ये आधी चम्मच रेड चिली का कूट डालेंगे, जो आधा कूटा हुआ पाउडर है खड़बड़ा. ये आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी से थोड़ी सी देंगे, ज़्यादा नहीं. चुटकी भर ब्लैक पाउडर, काली मिर्ची पाउडर डालेंगे. ये जब सारी सामग्रियाँ पक जाए तो इसमें हम ये प्यूरी डाल देंगे. ये प्यूरी डालने के बाद थोड़ी सी चुटकी भर हम गरम मसाला डालेंगे. ये देखिए, चुटकी भर गरम मसाला डाल देंगे. और इसे 10 मिनट तक पकाएं. स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून शुगर डालेंगे. शुगर के बदले में आप गुड़ भी डाल सकते हैं. मैं चीनी डाल रही हूँ शुगर. ज़्यादा खट्टी टमाटर है तो आप 1.5 डाल दीजिए और इसे पकाएं. आप गुड़ में पका सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं. अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, शुगर नहीं खाते हैं, गुड़ नहीं खाते हैं, तो शुगरलेस पाउडर आती है एक शुगर की, वो आप इसमें डाल के बना सकते हैं इस तरह से. अब इसे हम 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे मीडियम लो करके. जी फ्रेंड्स, अभी टोमेटो ये प्यूरी बन गया है. ये देखिए, टोमेटो प्यूरी बन गया है. अभी इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे थोड़ी सी. थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डालेंगे ताकि वो अच्छी टेस्ट आए. इस तरह से चला लेंगे. और आप ये गरम गरम खा सकते हैं कोई भी चीज़ में, सैंडविच में, समोसे में. ये देखिए फ्रेंड, कितनी सुंदर औसम बनी है.
और आप भी ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये टोमेटो प्यूरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे ट्राई करें, एंड अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।